उसके बाद उम्मे सलमा ने मिट्टी संभाली हुई थी, हर रोज उन्हें उठकर देख रही थी। और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमको सरहाने के तरीका कर सकती थी, ख्वाब में रात को उठ कर फिर बिलाल के उस मिट्टी को शीशे को पा कर देखती थी, कहीं शीशे सुस्त तो नहीं हो गई, मिट्टी सुस्त नहीं हो गई, मेरा हुसैन शहीद तो नहीं हो गया। ये वो देखने की खबर थी अहले मदीना को, हुसैन जा रहा है, छोटा मासूम अली असगर जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा, ये शबी है मुस्तफा, ये अली अकबर जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा, ये फातिमा की बेटी ज़ैनब जा रही है, ये वापस नहीं आएगी। बस एक किसे यकीन नहीं था, किसे खबर नहीं थी, सबको खबर थी। और ताई उठा कर देखे वो क्यामत का दिन था जब मदीने से हुसैन रवाना हो गए, क्यामत का बात थी, चीखे आसमान तक बुलंद थी, अरे जब खबर हो ये मुस्तफा के दाखिले वापस नहीं आएंगे, जब हुजूर के प्यारे वापस नहीं आएंगे, जिनको मुस्तफा जुबान छुपाया करते थे, हुसैन वापस नहीं आएगा, ये फातिमा की बेटी जिनकी हया के लिए अगर बाहर जिंदा हो जाए तो सूरज हया से छुपा देंगे, ये फातिमा की बेटी वापस नहीं आएगी, ये हाशमी की जवान वापस नहीं आएंगे, ये हजरत ज़ैनब के बेटे यौन मोहम्मद वापस नहीं आएंगे, ये कासम और बास जिनके निकाह हो चुके हैं, जिनकी शादी के दिन करीब है, जिनके सेरे बनने वाले हैं, ये वापस नहीं आएंगे। और दौर भी सहाबा का हो, सब आज के रसूल हो, तो कौन किसकी आंख खुश करा सकती है, कौन ये बर्दाश्त कर सकता है। मदीने में क़यामत का दिन था, और तारीख दान लिखते हैं कि खुदा की कसम इतना रोना मदीने वाले या उस दिन रोए थे जब हजूर विसाल फरमाया था, या उस दिन रोए थे जब हुसैन मदीने से रवाना हुआ, इतना रोना किसी और दिन मदीने ने नहीं देखा, इतना रोना हुसैन के रवाना होने के वक्त था। और हजरत इमाम हुसैन का मंजर देखने वाला था, कभी हजूर के रोजे थे, आजियो तुम हज करके आए हो, खुदा की कसम जब मदीने से निकलते हैं तो आंखें बरसती हैं, नहीं बरसती, मुस्तफा को मदीना छोड़ देना कोई आसान काम नहीं है, वो कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, मुस्तफा का मदीना छोड़ना बड़ा मुश्किल है, मदीने से निकल कर आना कितना मुश्किल है, आप मेरे लिए मदीने से निकलना, और क्या मंजर होगा जब हुसैन मदीने से निकला होगा, जब मुस्तफा का नवास आज निकला होगा, जब सीधा ज़ैनब मदीने से निकली होगी, वो क्या मंजर होगा, वो सब सहाबा नहीं आसमान भी रोता था, जमीन भी रोती होगी, वो दर दीवार रोते होंगे कि मुस्तफा के महबूब को तुम्हारा चेहरा देखना हमें नसीब नहीं होगा, तुम्हारा बुखरा फिर हमें नसीब नहीं होगा, तुम्हारे कदम छूना वो गलियां रोती होगी, सब खबर की जा रहे हैं वापस नहीं आएंगे, ये कहने वालों के हुसैन के फैमिन होते हमसे बेहतर से बोल बोल, लेकिन जब निकले तो कितने निकले, अरे बोले सारे कितने निकले, 72, कितने निकले 72, आपने कह दिया कि हम साथ होते हो, कह दिया आपकी मान ली मेरी बात, मैंने कोई रद्द नहीं किया, लेकिन उस दौर में 72 निकले, मुझे नहीं पता आप उनसे भी बेहतर है कि आप ज्यादा निकल जाते, अगर कहते हैं हाँ मिल रहे, तो फिर आज भी एक बड़ा बपा हुआ, आज भी करबला बपा हुआ, करोड़ों मुसलमान थे, और हर कोई ये जरूर कहता था डॉक्टर कारम कादरी ठीक कहते हैं, हर कोई कहता आज भी कहते हैं, देखा ये काम वही हुआ था जो डॉक्टर कारम कादरी कहते हैं, वो शख्स नहीं जैसे इज्जत वो है, और जो नाइजर का व्यवहार अधिकार भूखा है, और नाइजर का उत्तर अधिकारी है, तो जिधर जाए वो गाड़ी में सरों पर उठा दे और टायरों में चुप दें, और या का साथ इस तरह मोहब्बत होती है, हर हर घर पर ठीक कहते हैं, ठीक ही है, ठीक मौका है, लेकिन जब आज वही सारे मुसलमान हुसैन की महफिल से जाने वाले, जब आज के यजीदों के खिलाफ उठने का टाइम हुआ,
तो हुसैन की महफिल से जाने वालों ने करोड़ों में कितने लोग बात बन पड़े। वो करबला मंजर देखा तो नहीं, वही पानी बंद किया गया, वही मुहासा किया गया। कसूर क्या था? ये निजाम बदलना चाहते हैं, ये चोरों डाकुओं शराबियों जानियों को तख्ते हुकूमत में असेंबली में देखना चाहते हैं, ये परीदों को यजीदों को तख्त पर नहीं देखना चाहते, ये इनको वोट देना नहीं चाहते, ये इनको बैर नहीं करना चाहते, और कौम को समझाना चाहते हैं कि यजीद कोई काफर नहीं था, एक सहाबी का बेटा था, यजीद भी मुसलमान था, एक सहाबी का बेटा था। यजीदियत कहां से निकल आई? उसके किरदार से निकल आई कि उसने वो अमानत का खजाना जो बड़े फारूक ने निभाया था उसको जाती जागीर बना दिया, मुहर्रमात को हलाल कर दिया था, जो हराम अल्लाह उसके रसूल ने की थी उनको हलाल कर दिया था, काफिर था, जाती था, शराबी था, डाकू था, लुटेरा था, लौटेबाज था, और वो सारी हरकतें अगर आज भी इस जिंदगी में हैं, और एक जब एक हुसैन जी खड़ा हो जाए और कहे लोगों लोगों ये वही किरदार है जो सदियों में चलता आया है, इनको वोट ना देना, इनकी बैत ना करना, ये कह देना बड़ा आसान है हुसैन के फैमिली में होते, ये कहना ही सिर्फ आसान है, ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हुसैन की फैमिली में जाना को हारे रह गए, क्योंकि हर को जा सकता है फैमिली में, करोड़ों में खुदा ने बहत्तर को छुपा, करोड़ों में खुदा ने बड़े बड़े नेक औलाद थे, हो सकता है हुसैन से भी ज्यादा नहीं चुका तहज्जुद गुजार हो अल्लाह अल्लाह करने वाले, लेकिन इमाम हुसैन वो एक ही थे, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि उन जैसी कुर्बानियां किसी ने दी थी, उन जैसी कुर्बानियां किसी ने दी थी।
कहना ही आसान है। जरा देखिए इस मंजर को, जरा देखिए, जरा सारे आंखें बंद कर लें, जरा सारे आंखें बंद कर लें कि लोग देख रही है, और जो मंजर आपको दे रहा है, मंजर दे रहा है, उसको जरा देखिए। नचोड़ जिसके लिए मैंने सारी थी है, वो
ये है कि करती रहेगी पेश हाथ हुसैन की आजादी ये हया का ये सरमदी सूर चढ़ जाए कट के सर पे जाने से लोग पर लेकिन यजीदियों की अदात कर करो ये सिर्फ हुसैन का फर्ज ही नहीं था इस दिन की हिफाजत करना हम मुस्तफ़ा का नाम लेने वाले हमारा भी तरीका है कोई हम कीमती नहीं है हुसैन से आज अगर उस जंग का मौका आया तो हमें बच्चे याद आते हैं घर बार याद आता है घर से निकलना मुश्किल है हमारी कौम टीवी भी बैठ कर तब से करती रही तब से सुनती रही तमाशा देखती रही उस दौर में भी तमाशे वाले थे आज भी तमाशे वाले थे लेकिन उस दौर में इस दौर में फर्क ये पड़ गया है उस दौर में जो साथ नहीं गए थे उनको शर्म आती थी वो बाद में भी रोते थे उनको शर्म आती थी वो कहते थे काश अल्लाह हमें भी हौसला देता हमने बुजदिली दिखाई थी काश अल्लाह हमें भी तौफीक देता हम बुजदिली दिखाई थी वो खैर करूम था करोड़ों में बदतर निकले अब भी करोड़ों में लेकिन निकलने वाले आते हैं लेकिन फर्क ये पड़ गया है अब जो निकलते हैं जो कुर्बानी देते हैं अब जो बुजदिल होते हैं और नहीं निकल सकते वो उल्टा उन्हीं को बातें करते हैं ये फर्क पड़ गया आपको बातर में फर्क नहीं पड़ा उस दौर में भी थे इस दौर में भी हैं दोनों तरफ कुर्बानियां देने वाले उस दौर में भी थे शहीद होने आए आज की बात और क्या मतलब है और हर दौर का एक हुसैन होता है और हर दौर का एक नसीब होता है सती जाता रहा है हजरत सुल्तान महूस शराब मुस्तफी से शरारे भूल हावी आज एक दो प्लेटफॉर्म हैं ये नहीं होंगे लोग कल को और दौर होगा उस दौर में भी कोई बातल होगा उस दौर में भी कोई हक होगा जब अकबर आया था नया दीन लेकर अल्लाह पाक ने हजरत मुजद्दद अलसानी को हुसैनी बना के आगे कर दिया हर दौर का एक हुसैन होता है और हर दौर का एक यजीद होता है और खूबियां दोनों के अंदर अपनी अपनी होती है जो यजीदी होगा वो कातिल होगा जो यजीदी होगा वो खाइन होगा जो यजीदी होगा वो बेहया होगा जो यजीदी होगा वो जानी सारी खूबियां यजीदी में वही होंगी और जो हुसैनी होगा वो वही होगा कि सब कुछ लुट जाए मगर ये सर नहीं झुक सकता सब कुछ लुट जाए आज ये तमाशा नहीं होगा कल को नया तमाशा शुरू हो जाएगा और ये तमाशा अजल से चला हुआ क्या मतलब आदम अलैहिस्सलाम हक पर थे शैतान बातर था मूसा अलैहिस्सलाम हक पर थे फिरौन बातर था इब्राहिम हक पर थे नमरूद बातर था मोहम्मद मुस्तफा हक पर थे अबू जहल बातर पर था हुसैन हक पर थे यजीद बातर था और आज भी वही तक बात है और क्यामत तक भी तक बात चलेगी मेरा एक सवाल आखिर में ये है सवाल ये है नसीहत भी है कि हम अगर शहादतें नहीं दे सकते इतने जुर्रत और गैरत नहीं है हमारे अंदर सब चीज अंदर नहीं होती हर कोई एक यावर का नहीं होता हर कोई एक यावर का नहीं होता लेकिन अगर ये तकसीम हो जाए अल्लाह के आमद में तकसीम करना कर दे तुम इधर हो के इधर हो तुम इधर हो के इधर हो तो कम से कम क्यामत का दिन हम ये तो कह सकते और हम किधर है हम किधर है अब मैं उसको अपनी कौम का हाल मैं दो शेरों में लिखा है जरा वो देख लेंगे राज खुल जाए सभी पर मेरी तहरीर के बाद राज खुल जाए सभी पर मेरी तहरीर के बाद क्यों ये हालात ना बदले किसी तदबीर के बाद क्यों ये हालात ना बदले किसी तदबीर के बाद और कैसे राजी हो खुदा इस बड़ी तकदीर के बाद कैसे राजी हो खुदा इस बड़ी तकसीर के बाद कि शिमर को वोट दिया मजलिसे शरीफ के बाद नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसाल नाराए रिसाल हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत जिंदाबाद कैसे राजी हो खुदा इस बड़ी तकसीर के बाद कि शिमर को वोट दिया मजलसे नहीं बोले सारे मजलसे 14 कत्ल भी हो गए शहीद भी हो गए
गोली गोली लगते हैं, पता चल गया कि कातिल कौन है, मकतूल कौन है। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो वोट मजलिस हुसैन सजाने वालों ने वोट यजीद को जाकर दिया, हुसैन की मजलिस सजाने वालों ने वोट बैद यजीद को कर दिया। और हर तख्त पर तो अब भी वही नाम मुराद है। मैं तो पाकिस्तान का रुकना है, ये सारी आलम इस्लाम नहीं है, पूरी मुस्लिम बड़ी बड़ी हुक्मरान देख रही। एक ही सूरत है कि हर तख्त पर तो अब भी वही नाम मुराद है, खौली है कहीं शिमर कहीं बने ज्यादा, हर तख्त पे तो अब भी वही नाम मुराद है, खौली कहीं शिमर कहीं इब्ने ज़ियाद है। और तहसीले सोज और गम का बहाना बना दिया। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ करबला को हमने एक बहाना बनाया, एक रस्म बना दिया, चलो जौक ले लें साहब मजलिस का। तहसीले सोज और गम का बहाना बना दिया, खुद हमने करबला को फसाना बना दिया। करबला गैर थी, करबला भी इंकलाब था, और हमने उसे रस्म बना दिया कि रह गई रस्म अजान हुए बिलाल न रही, फलसफा रह गया तलकीन बिलाल न। मेरा पैगाम ये है, खुदा के लिए हमने मरना है, अल्लाह के हुजूर जाना है। अगर इमाम अली मुकाम ने हमसे पूछ लिया मेरी महफिल से जाने वालों, हम तो कहते हैं अगर दावतम रद बनी वर कबूल मन मुदस्त सामान आले रसूल, वो हम दामन पकड़ने जाएं तो हमें वो दामन छुड़ा कर तुझे जरा पहले बता कि तू यजीदी है कि हुसैनी है। हम कहेंगे हुसैनी है हजूर, हम तो सारी उम्र आपकी महफिल से जाते रहे, मोहब्बत करने वाले हैं। उन्होंने कहना है कूफे वाले भी हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरे बाबा ने मेरी हुकूमत की थी तो सारे कूफे वाले उन्हीं मेरे बाबा के हजूर उन्हीं के बाद वहां थे। मगर जब वक्त आया तो शिमर को वोट दिया मजलिस शबीर के बाद, जब वक्त आया तो तुमने वोट किसको दिया, तुमने सपोर्ट किसको दिया। मरना है, ये चार दिन का खेल होता है, चले जाना, ये सियासत आने जानी होती है। खुदा के लिए अपनी आकबत बचाएं, और कम अज कम अगर शहादत नहीं दे सकते तो कम अज कम हुसैनियत की कंपेन भी होगी, यजीदियों के साथ बात करें, उनको वोट तो ना दें, उनको सपोर्ट ना करें, उनकी तो बैत ना करें। ये बैत उस दौर में वोट ही था, उस दौर में हाथों में आ देते थे और पर्ची डाल देते। तो ये पैगाम, ये मेरा मैसेज है, इसमें खत्म करता हूँ। दुआ अल्लाह पाक हम सब को ये शौर अता फरमाए, और रोज़े महशर हम सब से अहले बैत की सिलसिला अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।